तो गोकुलधाम सोसाइटी में लैंग्वेज बैरियर को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है एंड लैंग्वेज को लेकर गोकुलधाम सोसाइटी के हर एक मेंबर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने तारक मेहता शो के रीसेंट एपिसोड में देखा कि यहाँ पर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर अपनी अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने को लेकर गोकुलधाम के मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो चुका है एंड यहाँ पर सोसाइटी की सेक्रेटरी आत्मराम भिड़े के सामने गोकुलधाम के हर एक मेंबर ने बोला कि अगर आज सुविचार लिखा जाएगा तो उन्हीं की मातृभाषा में, जिसके बाद के गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर के बीच में झगड़ा हो गया। अब गई सब, हिंदी भाषा तो हर एक को आती है लेकिन तमिल, पंजाबी, गुजराती एंड बंगाली ये भाषाएं सभी को नहीं आती हैं एंड इसीलिए गोकुलधाम के मेंबर्स ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते हैं। हालांकि वो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं लेकिन बहुत कम, एकदम ना के बराबर। एंड इस समय पर सबसे पहला शिकार बन चुका है जेठालाल, क्योंकि जेठालाल के सामने बबीता जी बंगाली में बात कर रही हैं एंड ये भाषा जेठालाल के बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही है। उसे बबीता जी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है कि बबीता जी आखिरकार क्या बोल रही हैं, जिसके बाद कि जेठालाल बबीता से रिक्वेस्ट भी करता है कि आप प्लीज़ कि कम से कम वो तो उसके सामने हिंदी में बात करें, उसे उनकी बंगाली भाषा समझ में नहीं आ रही है। जिसके बाद कि बबीता बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बंगाली में बात करूंगी। अब गई साहब, ये समस्या फिलहाल तो आई है जेठालाल को, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पर गोकुलधाम के हर एक मेंबर को भी ये समस्या आने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर गोकुलधाम का हर एक मेंबर अपनी अपनी भाषा में बात करेगा तो उन सभी लोगों को वो सभी भाषा तो आती नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है। सिंपल है कि वो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाएंगे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि आखिरकार गोकुलधाम के मेंबर्स हिंदी भाषा को छोड़कर बाकी अपनी मदर टंग लैंग्वेज को क्यों बोल रहे हैं, तो गाइस इस समय तारक मेहता शो के अंदर 21 फरवरी चल रही है एंड 21 फरवरी को मदरलैंड लैंग्वेज डे होता है एंड इस दिन सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। तो इस समय पर गोकुलधाम सोसाइटी में मदरलैंड लैंग्वेज डे है एंड इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं। हालांकि इस बात का खुलासा बाद में होने वाला है। सो गाइस, आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिरकार गोकुलधाम के मेंबर्स अपनी अपनी मातृभाषा में बात क्यों कर रहे हैं वेल गाइस, वीडियो के बारे में आपको जो भी कमेंट्स एंड रिव्यूज है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।